हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइन। एसिड हैलाइन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा? एसिड हैलाइन। अगर एसिड हैलाइन की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीओ एक्स। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और X। यहाँ पर X जो होगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को हम लोग COX लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O X, ठीक है। और यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CA, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरह से तो यहां पर देख रहे हैं कि ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और इसे से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सी है। ऐसे भी लिख सकते हैं बी आर। यहां पर अभी भी देख रहा है क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ और फिर बी आर। यहां पर एक्स के जगह पर क्लोरीन है, यहां पर एक्स के जगह पर ब्रोमीन है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सारे एग्जांपल्स है और हमें एग्जांपल्स में करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अगर इस तरह के कंपाउंड देख करके और आपसे पूछा जाए कि इसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि इतने को देख करके पहचान जाएंगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। यहाँ पे क्या है? एसिड हैलाइड है। यहाँ इतना क्या है? ये एसिड हैलाइड है। यहाँ पर इतना क्या है? ये भी एसिड हैलाइड है। ओके, चलिए नोट कीजिए। तो अब तक हम लोगों ने कई सारे फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अपन कई सारे फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि अमाइन, कार्बोक्साइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अनहाइड्राइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और ये अपना एसिड है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा ईस्टर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? ईस्टर। ईस्टर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और फिर से ओ और ये भी खाली और इस तरफ से भी खाली, दोनों तरफ से वैकेंट रहेगा। यहां भी अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, यहां भी अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर इस O के साथ में H लगा दिया जाए तो क्या होगा? कार्बोक्साइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O O के बाद फिर से H, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्साइलिक एसिड। H को हटा करके अगर हम क्या कर दे, अल्काइल ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर दे, कार्बन अटैच कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्टर हो जाएगा। और भी देखा जा सकता है, ये क्या है? ये भी ईस्टर। तो इतने फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, दोनों साइड में कार्बन हो, इस साइड में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमेशा कार्बन ग्रुप ही अटैच होगा, तब हम उसे क्या नाम देंगे? ईस्टर नाम देंगे। तो इतना को देख के क्या नाम दिए? ईस्टर नाम दिए। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी क्या हो गया? ईस्टर हो गया। नोट कीजिए, तो ईस्टर को हमने भी पहचान लिया। अपन ईस्टर को देख करके किसी भी कंपाउंड में पहचान सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड यहां पर लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें ईस्टर कौन है, तो
तो हम कहेंगे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप लेकर के क्या हो गया कार्बोक्साइलिक एसिड, और ये इतना फंक्शनल ग्रुप लेकर के क्या हो गया जिसमें ओ के साथ क्या अटैच है कार्बन, तो ये हो गया ईस्टर। अगर ओ के साथ एच जुड़ा होगा तो क्या नाम देंगे कार्बोक्साइलिक एसिड। अगर ऐसा कर दिया जाए तब क्या नाम देंगे इसका, ये इतने को देख करके हम इसको नाम देंगे अमाइल। क्या नाम देंगे अमाइल। अगर ऐसा लिख दिया जाए तो ये तो इतना को देख के हम क्या नाम देंगे अनहाइड्राइड। ओके जस्ट रिवाइज करा दे रहा हूं, ये क्या हो गया साइनाइड। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। अगर ये लिख दिया जाए तो ये हो गया अमाइल। ओके चलिए नोट कीजिए, ये जस्ट रिवाइज हो गया। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप से हम लोग अपन फैमिलियर हो चुके हैं, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इसे सीक्वेंस में अपन आएगा अल्कोहल, और एक होगा थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, अल्कोहल को अपन लिखते हैं OH और थायो अल्कोहल को अपन लिखते हैं SH। S यहां पर सल्फर है, S क्या है सल्फर, और O क्या है ऑक्सीजन। अगर OH लगा रहेगा तो अल्कोहल कहेंगे, और SH लगा रहेगा तो हम इसको थायो अल्कोहल के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो अपन इसको क्या कहेंगे थायो अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब हमें पहचानना है अल्कोहल को, देखा जाएगा तो हम इस अल्कोहल को कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल को कितने हिस्से में बांट दिया गया, तीन हिस्से में। अल्कोहल या तो प्राइमरी हो सकता है, या सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शियरी हो सकता है। पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यहां देखिए, जब OH ग्रुप को आपको क्या करना है सिलेक्ट कर लेना, एक OH ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद देखना है कि OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, OH ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ। एक मिनट, क्या करना है OH को सिलेक्ट कर लेना है, और OH को सिलेक्ट करने के बाद इस कार्बन को क्या करना, OH से जो कार्बन अटैच होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और वो कार्बन को देखिए कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये सिलेक्टेड कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसे कहेंगे प्राइमरी। ध्यान से, ये OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, दो से, एक यहां और एक यहां, इसीलिए ये OH क्या हो गया सेकेंडरी। अब यहां पर देखिए, ये OH इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, 1, 2 और 3, इसीलिए ये कैसा हो गया टर्शियरी। कैसा हो गया टर्शियरी। तो पहचानने का एक तरीका क्या होगा, जिस अल्कोहल को आपको पहचानना है कि ये प्राइमरी हो या टर्शियरी हो या सेकेंडरी हो, वट एवर, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे उस अल्कोहल ग्रुप को, और उससे अटैच्ड कार्बन, उससे अटैच्ड कार्बन को, और फिर देखेंगे कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा तो हम उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे, वो कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, और वो वाले कार्बन तीन कार्बन के साथ अटैच होगा तो हम उसे टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। चलिए एग्जांपल बताइए, कौन सा अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जल्दबाजी नहीं।
तो क्या था, इस अल्कोहल को सिलेक्ट करना है, OH ग्रुप को, ये कार्बन हो गया उससे अटैच और ये कितने से अटैच है, दो से, इसीलिए सेकेंड। चलिए पहचान ली, ये OH को सिलेक्ट किया, OH किस कार्बन से अटैच है और ये कितने कार्बन से अटैच है, एक से, इसलिए प्राइमरी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, डाउट घर पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने में कोई डाउट, पूछने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि एक कहानी है जो है कि जिसने की शर्म उसके फुट गए करम। ओके चल, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना अमाइन, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना अमाइन, इसको हम लोग देख चुके थे NH2 से, और ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो पहचानना कैसे था, यहां पर होगा N, एक होगा H और एक होगा R ग्रुप, तो सब, तो ये क्या हो गया प्राइमरी, यहां N, H और एक R, तो सेकेंडरी N, H और सॉरी दो R, तो क्या हो जाएगा टर्शियरी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना एल्कीन, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अपन का एल्कीन। एल्कीन को कैसे पहचाना जाएगा, एल्कीन को पहचानने का तरीका है कि कंपाउंड के अंदर में कार्बन और कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच होंगे, मतलब दो कार्बन कैसे होंगे, डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अल्काइन, अब क्या होगा, दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन्स, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, हैलोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और एक्स क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपन होगा नाइट्रो, नाइट्रो को लिखते हैं एनओ टू, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा एनओ टू, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोसो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोसो, इसको लिखते हैं एनओ, नाइट्रोसो को कैसे लिखेंगे एनओ, ऐसे लिखने का तरीका है एन डबल बॉन्ड ओ ओ, इस तरह से। अपन ने कई सारे फंक्शनल ग्रुप से फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अमाइड, अमाइड, नाइट्रो, एल्कीन, अल्काइन, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एसिड हाइलाइट, ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अभी, और उसमें पहचानना है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर एसोसिएटेड इन दिस स्ट्रक्चर। ओके चलिए इसको इरेज कर दिया जाए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है आपको इसे पहचानना है।
पहचान लिए। चलिए ये तो अपना अल्कोहल हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए सी डबल बॉन्ड हो, इस सी के दोनों तरफ क्या है कार्बन, तो ये क्या हो गया कीटोन। यहां पर देखिए ये भी एसपी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन, तो ये भी हो गया कीटोन। और यहां पर क्या हो गया सिर्फ कार्बन है, कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, तो ये हेलोजन ग्रुप, ये हो गया हेलोजन ग्रुप। तो हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो एक दो तीन और चार, चार फंक्शनल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो वन टू थ्री, क्यों थ्री, क्योंकि ये दोनों एक ही है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो उसमें आप अल्कीन और अल्काइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान से सुने, जब पूछा जाए कि स्ट्रक्चर में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसमें अल्कीन और अल्काइन को कंसीडर नहीं किया जाए। तो क्वेश्चन अगर होता कि कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो चार। क्वेश्चन पूछा जाए कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो फिर तीन। ओके, ध्यान रखें कितने फंक्शनल ग्रुप और कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों दो चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो क्या क्या जाएगा, ये हो गया ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये देख रहे हैं सी है दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, तो ये हो गया कीटोन। ये है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक साइड में कार्बन, इसलिए ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया कौन सा कार्बोक्साइलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया नाइट्रो, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया साइनाइड, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया आइसोसाइनाइड। क्या अल्किन को कंसीडर किया जाएगा, तो अल्किन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जाएगा तो अल्किन और अल्काइन को कंसीडर नहीं करते, इसलिए कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए सिक्स। ओके, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जब तक हम इसे नहीं पहचानेंगे आगे का काम मुश्किल होगा, आगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग।
हाँ, तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। चलिए चेक करते हैं, यहां पर सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये क्या हो गया अमाइन, यहां पर देखते हैं सी डबल बॉन्ड हो NH और इससे एक और कार्बन, ये पूरा क्या हो गया, ये भी अमाइन हो गया, लेकिन ये वाला क्या है प्राइमरी अमाइन और ये कैसा है सेकेंडरी अमाइन। चलिए इसके बारे में बात की, सी डबल बॉन्ड हो ओ के बाद फिर से कार्बन, ये क्या हो गया ईस्टर, ये क्या हो गया ईस्टर, ये क्या है ये भी प्राइमरी अमाइन, कौन सा अमाइन प्राइमरी अमाइन, और ये क्या हो गया अपना हैलोजन। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, और अल्किल अल्काइन को कंसीडर नहीं करना, अल्किल अल्काइन को कंसीडर नहीं करना, तो 1, 2, 3, 4, 5 फंक्शनल ग्रुप इसलिए हो गए। ठीक है, यहां चेक करें, तो ये हो गया अपना क्या एसिड हैलाइड, ये अपना अल्कोहल, कैसा अल्कोहल तो सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों तो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या हो गया कीटोन, कितने फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप, यहां पर ये अल्कोहल हो गया कैसा, यहां से जुड़ा हुआ 1 और 1, 3 से, तो टर्शियरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, तो एक फंक्शनल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा है ये भी अल्कोहल टर्शियरी है, तीन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है तो ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, सॉरी टर्शियरी अमाइन, कैसा है टर्शियरी अमाइन, तो 1, 2, 3, 4 कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए 4, ठीक है 4 फंक्शनल ग्रुप, और अल्किल अल्काइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलिए नोट करिए,